हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हिंदी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों कढ़ाई पनीर। तो इसके लिए हमें एक कढ़ाई चाहिए, तो चलिए हम कढ़ाई ले लेते हैं। दोस्तों, हम कढ़ाई रख दिए, उसमें ऑयल हम डाल दे रहे हैं। 2 चम्मच ऑयल लेंगे दोस्तों। देख सकते हैं आप सब, हमारा ऑयल गर्म हो गया। इसमें आधी चम्मच मैं ले लिया हूँ जीरा। अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, हम जो मसाला ले रहे हैं, एक ले रहे हैं बड़ी इलायची, मतलब आधी, एक छोटी इलायची, 2 लवंग, 2-3 काली मिर्च। ठीक है दोस्तों, इसको हम थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। हमारा फ्राई हो गया। इसमें हम डाल रहे हैं दोस्तों 2 प्याज। मैं 2 प्याज को 8 टुकड़ा करके, और उसको मतलब टुकड़ा कर लिया हूँ छोटा छोटा। हमारा दोस्तों पनीर है 200 ग्राम। मैं 2 इसमें टमाटर ले लिया हूँ, 100 ग्राम के आसपास टमाटर है, 100-150 ग्राम हमारा प्याज था। तो दोनों को हम थोड़ा फ्राई करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, इसको 2-3 मिनट हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। फिर इसको हम जार में डाल के ग्राइंड कर देंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बहुत मस्त कढ़ाई पनीर। तो देख सकते हैं आप सब, कलर इसका चेंज हो गया, 2-3 मिनट हो गया। अब इसको दोस्तों हम निकाल लेते हैं जार में, इसको पीसेंगे। अब इसमें जो मसाला हम ऐड करेंगे दोस्तों, वो आप सबको बता देते हैं। आधी चम्मच जीरा हम लिए हैं, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच से ज़्यादा है गरम मसाला, और 1 चम्मच है इसमें धनिया पाउडर, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी पीस लेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्याज और शिमला मिर्च जो छोटे छोटे टुकड़ा किए हैं, उसको हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हम 2 चम्मच ऑयल ले लिए हैं। आप सब देख सकते हैं, एक प्याज में मैं 4 टुकड़ा कर रहा हूँ। प्याज थोड़ा छोटा था, और उसका जो परत होता है, एक एक छोड़ा दिया हूँ। शिमला मिर्च भी ऐसे ही कटिंग कर दिया हूँ छोटा छोटा। तो इसको हम फ्राई अब करेंगे। इसको 3-4 मिनट दोस्तों हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा फ्राई हो रहा है। दोस्तों देख सकते हैं, 2-3 मिनट हो गया, फ्राई हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे। अब इसमें दोस्तों हम फ्राई करेंगे 200 ग्राम पनीर हम लिए हैं। पनीर को छोटा छोटा टुकड़ा काट लिए हैं, देख सकते हैं आप सब। आप अपने हिसाब से टुकड़ा इसका बना सकते हैं, पीस जैसे भी बनाना हो। ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं रखना चाहिए, मीडियम साइज रखेंगे तो अच्छा दिखेगा। अब इसमें दोस्तों हम लेंगे इसको फ्राई के लिए आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा घी। दोस्तों हमारा गरम हो गया घी। अब इसमें हम डाल देंगे पनीर। पनीर हमारा खुला वाला है, तो थोड़ा सा ये मुलायम होता है। इसको पनीर रखा गया पूरा अंदर कढ़ाई में। अब इसको 2-3 मिनट में एक तरफ से पकाऊंगा, और 2-3 मिनट एक तरफ से पकाऊंगा। फिर थोड़ा सा पलट पलट के इसको पका दूंगा, अच्छे से थोड़ा फ्राई हो जाएगा। देख सकते हैं 2-3 मिनट हो गया। अब इसको हम पलट देंगे एक एक करके। दोस्तों इसमें चाहें तो आप लोग थोड़ी सी मिर्ची और नमक हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। देख सकते हैं आप सब, हमारा पनीर सिक गया है। तो हम निकाल लेंगे दोस्तों। अब हम मसाला फ्राई करेंगे दोस्तों अपने। तो मसाला फ्राई के लिए मैं 2-3 चम्मच ऑयल ले लिया हूँ। ऑयल ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, ऐसे ज़्यादा हम ऑयल डालेंगे तो देखने में तो अच्छा लगता है, मगर खाने में हमें नुकसान करता है। तो हम ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे, क्योंकि हमें खुद खाना रहता है। आप लोग भी थोड़ी ही ऑयल में बनाइए। तो तेल मेरा गरम हो गया। इसमें जीरा हम आधी चम्मच ले लिए, 2 लाल साबुत मिर्च और 2 हरी मिर्च मैं लिया हूँ, पीसा नहीं हूँ। इसको थोड़ी सी फ्राई कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप सब, फ्राई हो गया। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट लिए हैं 200, 1 चम्मच से थोड़ी सी कम। इसको थोड़ी सी मिक्स कर देंगे अच्छे से दोस्तों, ताकि पक जाए। अब इसमें हम सेव करेंगे दोस्तों, जो हम मसाला बनाए हैं अपने, टमाटर प्याज का ग्रेवी और मसाला वगैरह डाल के, वो इसमें हम डाल देंगे कढ़ाई में। अब इसको मिक्स हम करेंगे, अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसको हम 3-4 मिनट पकाएंगे ऐसे ही दोस्तों, ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। देख सकते हैं आप सब, 3-4 मिनट हो गए, हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। इसको थोड़ा सा और हम चला देंगे, पका देंगे थोड़ा अच्छे से। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हम लेंगे 1 चम्मच नमक।
नमक आप अपने अनुसार ले सकते हैं दोस्तों, जैसे आपका नमक टेस्ट हो। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर दे रहे हैं। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से पक गया। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। देख सकते हैं दोस्तों अब जो हम प्याज और क्या बोलते हैं शिमला मिर्च फ्राई किया था वो हमें ऐड कर दिया इसमें। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और 3-4 मिनट या 3 मिनट इसको पका लेंगे। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अब देख सकते हैं हमारा मसाला मतलब शिमला मिर्चा भी फ्राई हो गया। अब इसमें हम जो पनीर फ्राई किए थे वो भी ऐड कर दिए। इसको भी चला देंगे अच्छे से मिक्स करके और 2-3 मिनट ये भी फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, हम जितने अच्छे फ्राई करेंगे हमारा मसाला जो है वो मतलब उसमें पनीर में भीन जाता है अच्छे से, इसीलिए हम नमक मग। तो दोस्तों देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो गया। तो इसमें हम 2 ml पानी ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से पानी ले सकते हैं, जिस टाइप का ग्रेवी आपको रखना हो। थिंक ग्रेवी रखेंगे तो कम पानी लीजिएगा। अब इसको हम ढक देंगे दोस्तों, 5-6 मिनट ढक के पकाएंगे इसको। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा पनीर अच्छे से भूज रहा है, पक रहा है। तो इसको हम बीच बीच में चला देंगे ताकि जल ना जाए, कहीं ऐसा ना आ जाए कि हम ढक के रखें तो जल जाए। तो बीच में इसको हम देखते रहेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा पनीर कढ़ाई पनीर बनता है, आप लोग एक बार बना के खाइए। देखिए हम हल्के मतलब क्या बोलते हैं मिर्च मसाला और उसमें तेल में बनाते हैं, मगर बहुत मस्त बनता है दोस्तों। आप लोग एक बार बनाइए खाइए। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें हमारा बन गया है। बस मैं थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड कर रहा हूँ। 6-7 मिनट में बन के तैयार हो गया। इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं खास ऐड कर रहा हूँ जो कि आप लोग देखेंगे। इसमें मैं प्याज जो छोटा छोटा बारीक ऐसे एक एक इसका छिलका निकाल के ऐड कर रहा हूँ। ये बहुत खाने में मस्त लगता है दोस्तों। और इसमें धनिया पत्ता थोड़ा सा ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। हमारा कढ़ाई पनीर बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं आप सब। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे दोस्तों, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से काच या प्याज आप मिक्स कर लीजिए। तो हमारा कढ़ाई पनीर देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा हुआ है। आप लोग भी बनाइए दोस्तों और खाइए घर पे, मस्त रहिए।